Welcome to Kashmiri Dishes. Click the subscribe button and press the bell icon to get further notification. आज हम बनाने वाले हैं वास्ताहक्त ठूल, जिसको रेड स्पिंच भी कहते हैं, जो बहुत टेस्टी बनता है। तो चलो शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 kg वास्ताहक। इसको मैंने सॉफ्ट करके वॉश किया है और मैंने लिया है नमक, जिंजर पाउडर, सौंफ का पाउडर, गरम मसाला, गार्लिक पेस्ट, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी और 2 अंडे। अब हमने लिया है पैन और इसको गैस पे रखा है। इसमें डाले हैं दो पैन में डाले हैं 2 स्पून ऑयल। अब हम इसमें वास्ताहक डालेंगे। अब मैंने पैन में सारा वास्ताहक डाला है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट। अब हम इसको थोड़ा सा मिलाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें से पानी निकलना स्टार्ट हो गया है। अभी हम और मसाले नहीं डालेंगे जब तक इसमें से पूरी तरह से पानी निकल जाएगा। तब तक हम वेट करेंगे। अब आप देख सकते हैं इसका सारा पानी निकल गया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 स्पून जिंजर पाउडर, 1/2 स्पून सौंफ पाउडर, 1/2 स्पून गरम मसाला, 1 स्पून हल्दी और 1 स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। अब हम इन मसालों को ऐड करेंगे, मिलाएंगे। तब तक हम फ्राई करेंगे जब तक ये पानी सारा एब्जॉर्ब नहीं होता है। तब तक इसको हम फ्राई करेंगे बिल्कुल जब तक ये पूरा पानी एब्जॉर्ब नहीं होता है। आप देख सकते हैं इसका सारा पानी खुश्क हो गया है और तेल भी साइड्स पे आ गया है। अब हम इसमें 2 अंडे ऐड करेंगे। अब हम इसको मिलाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा वास्ताहक रेडी हो गया है और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा वास्ताहक बिल्कुल तैयार हो गया है और अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है।